गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलता है, इसलिए बच्चे को प्याज तक पसंद नहीं है चबाना। तो हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि बच्चे के अंदर खूब सारा प्रोटीन जाए, चाहे बच्चा हो या बड़े इंसान। तो हम लोग पालक की सूप बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पालक और ब्रोकली की सूप बनाने जा रही हूँ। तो इसमें क्या क्या डालूँगी दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है पालक, जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। उसके बाद एक अच्छी सी ब्रोकली, और ये पीछे का हिस्सा है। तीन टमाटर, जिसको मैंने छील लिया है। थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा नमक। अभी गैस को जलाएंगे। फ्रेंड्स, सूप चढ़ा दिया हमने, अब दो सीटी लगाएंगे, तीसरे सीटी में बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, तीन मिसल लग गए हैं, तीन सीटी, और हम इसे बंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से गल गया है, इसे अब हम ठंडा करेंगे, उसके बाद मिक्सी में पीसेंगे। फ्रेंड्स, मेरा बढ़िया सा सूप बनके तैयार है। इस पर मैं बाकी चीज़ें डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई बटर नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा चीनी फ्लेवर के लिए, इससे बैलेंस ठीक हो जाता है। और नमक कम था तो मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं खाने के में काला नमक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये हमारा प्रोटीन सा सूप बन के तैयार है, क्योंकि इसमें ब्रोकली है जो दिमाग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और पालक है जो आयरन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा सूप बन के तैयार है। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।